सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पूरे देश में मनाई गई। इस मौके पर रन फॉर यूनिटी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इंदौर में भी महापौर और कलेक्टर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हुए रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। इंदौर में भी बच्चों व प्रशासनिक अधिकारियों ने सरदार पटेल की जयंती को मनाने के साथ ही रन फॉर यूनिटी में भी हिस्सा लिया। इंदौर में महापौर व कलेक्टर के साथ कई लोगों ने पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सरदार पटेल को याद किया। माल्यार्पण के बाद एकता के लिए दौड़ रन फॉर यूनिटी को भी झंडा दिखाकर रवाना किया। इस बार रन फॉर यूनिटी के साथ स्मार्ट सिटी का भी संदेश दिया गया और समाज को जोड़ने की भी बात कही गई। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता था, आज उनकी जयंती है। मैं उनको शत वंदन करती हूँ और उन्हीं की जयंती पर सभी बच्चों उनकी जयंती पर दौड़ लगाएंगे और एक देश को संदेश देना चाहेंगे कि हम सब एक हैं और उन्हीं के अनुसरण करते उनके मार्ग पर चलेंगे। आप सभी ने देखा कि माननीय मोदी जी ने गुजरात में कई फीट ऊंची प्रतिमा बनाने का संकल्प लिया और पूरे देश को उन्होंने लोहा मांगकर, उनकी प्रतिमा बनाने के लिए लोहा मांगकर, क्योंकि वे लोह पुरुष कहलाते थे, उन्होंने एक यूनिटी बनाई, एक समानता बनाई, एकता बनाई और उसी के तहत रन फॉर यूनिटी के नाम से ये दिया। और इसी दिन कई बड़ी संख्या में बच्चे, बड़े लोग सब दौड़ लगाते हुए उनकी जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज सरदार पटेल जी के याद में राज्य शासन की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके तहत में रन फॉर यूनिटी का आज का ये कार्यक्रम यहाँ से आयोजित किया गया है। प्रतिवर्षानुसार इस साल भी जिला प्रशासन की ओर से इस तरह का कार्यक्रम करते हुए समाज में एकता का संदेश देने की दृष्टि से और सरदार पटेल जी के द्वारा भारत के विभिन्न प्रदेशों को जोड़ने का, विभिन्न राज्यों को जोड़ने का जो प्रयास किया गया था उसके तारतम्य में ये एक बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट, विद्यार्थी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और निश्चित ही एक अच्छा संदेश पूरे शहर में जाएगा। पूरे देश में एकता की दौड़ का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे व बड़े हिस्सा ले रहे हैं।